हॅलो बच्चो कसे आहात तुम्ही सर्व मजेत ना येस आज मी मयूर एस मोरे तुमचा केमिस्ट्री टीचर अभियान बॅच मध्ये केमिकल थर्ड लेक्चर घेऊन आलेलो आहे हे hey, केमिकल इक्विबियमचं लास्ट लेक्चर असणार बहांनो याच्यानंतर आपण काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहोत ते पुढच्या लेक्चरला पण आता याच्यामध्ये आपण ली चार्टले प्रिन्सिपल बघणार आहोत तर चला मग सुरू करू लेट्स बिगॅन

फिर प्रेडिक्टिंग द डिरेक्शन रिएक्शन कौन से डिरेक्शन में जा रहा है लेफ्ट में जा रहा है कि राइट में जा रहा है वो हमने देखा उसके बाद टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन कितनी हुई है हाउ मेनी हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिएक्शन हैज ऑलरेडी अकर वो हमने देखा तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं आज के हमारे टारगेट्स क्या होने वाले हैं वो रहने वाले हैं ली चैटलिया प्रिंसिपल क्या आपका ली चैटलिया प्रिंसिपल क्या करता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विबियम इक्विबियम पे कौन से कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जैसे कि चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट ऑफ प्रेशर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ कैटलीस ये चार चीजें तुम्हारे इक्म पे कैसे इफेक्ट करती है ये हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ये सारी चीजें हम लोग अभी वन बाय वन वन बाय वन देखने वाले है सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल वॉट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल अब ली चारियर प्रिंसिपल समझने से पहले तुमको यह समझना पड़ेगा कि केमिकल इक्विपियम में भले इक्विपियम अच्छी हो रहा है अब इक्विबियम पे क्या हो रहा है तुम्हारे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सॉरी इन दोनों का रेट एग्जैक्ट सेम हो रहा है अब अगर ये दोनों का रेट एग्जैक्ट सेम हो रहा है तो तुमको ऐसा लग सकता है कि रिएक्शन इज नॉट गोइंग एनी वेयर राइट विच इज ट्रू रिएक्शन किधर भी नहीं जा रहा है ना पूरा प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है ना पूरा रिएक्टन की तरफ जा रहा है और उसी वजह से क्या हो रहा है रिएक्टन एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो चुका है सेम नहीं हुआ है कॉन्स्टेंट हुआ है अब ये अगर हो रहा है तो ये दिक्कत की बात है ना बेटा हम लोग रिएक्शन कर क्यों रहे एट द फर्स्ट प्लेस द रिएक्शन <coughs> हम रिएक्शन इसके लिए कर रहे हैं ताकि हमको प्रोडक्ट मिल सके हम रिएक्शन कर ही उसके लिए रहे कि हमको मिले। वरना तुम, तुम ऐसे थोड़ी ना वेले बैठे हो चलो रिएक्टेंट लो मिक्स करो प्रोडक्ट करो इक्विमियम बनाते नहीं भाई इक्विमियम बना के क्या मिलेगा तुमको तुमको चाहिए प्रोडक्ट तुमको हमको चाहिए प्रोडक्ट उसके लिए हम लोग रिएक्शन कर रहे तो इसका मतलब अगर जो 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 रिएक्शंस है जिसमें इक्विलिब्रियम अच्छी हो जाता है उस रिएक्शन के साथ तुमको खेलना पड़ेगा खेलना पड़ेगा मतलब उस इक्विलिब्रियम को छेड़ना पड़ेगा ताकि तुमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिल सके और वो जो छेड़ना है वही है तुम्हारा ली चैटलियर प्रिंसिपल वो क्या कहता है स्ट्रेस इज अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू रिएक्टिंग सिस्टम

अगर कोई सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है तुमने उसके ऊपर स्ट्रेस डाला स्ट्रेस डाला मतलब उसको पढ़ाई का टेंशन दिया ऐसा नहीं स्ट्रेस डाला मतलब या तो आपने उसका कंसंट्रेशन बढ़ाया या कम किया या प्रेशर बढ़ाया कम किया टेम्परेचर बढ़ाया कम किया कंसंट्रेशन बढ़ाया कम किया ये सारी चीज है तो ये स्ट्रेस अगर आपने उस केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम पे लगाया तो सिस्टम जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है क्या है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो उसी तरह से जब कभी भी आप कोई भी स्ट्रेस उस सिस्टम पे केमिकल इक्विलिब्रियम या फिजिकल इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम पे लगाते हो तो सिस्टम ऐसा रिएक्ट करती है ताकि वो जो वो जो आपने स्ट्रेस लगाया है वो रिड्यूस्ड हो वो रिड्यूस्ड हो सके और वही है तुम्हारा ली चार्टियर प्रिंसिपल तो वो जो वो ये स्टेट करता है इट दैट व्हेनेवर व्हेनेवर a stress is applied whenever a stress is applied stress is applied to a system system chemical system yeah physical system jo bhi hai. whenever a stress is applied to a system which is in equilibrium which is in equilibrium a system a system would react a system would react in such a way in such a way so as to so as to reduce so as to reduce अप्लाइड स्ट्रेस जो भी स्ट्रेस आपने उसके ऊपर अप्लाई किया अप्लाई किया है उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के डिरेक्शन में आपकी सिस्टम रिएक्ट करेगी सो एज टू रिड्यूस अप्लाइड स्ट्रेस ठीक है और इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है ली चैटलियर प्रिंसिपल ली चैटलियर एक साइंटिस्ट का नाम है ठीक है या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो दैट वेवर अस्ट्रेस इज अप्लाइड वेनेवर अस्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अस्टम इन इक्विब्रियम ऑन अस्टम इन इक्वलिब्रियम अब इक्विब्रियम में सिस्टम है मतलब क्या फॉरवर्ड डिरेक्शन में भी वो जा रही है रिवर्स में भी जा रही है अब आपने जो भी स्ट्रेस लगाया है उस स्ट्रेस को सिस्टम ऐसा कम करेगी मतलब सिस्टम या तो इस वजह से या तो फॉरवर्ड में ज्यादा फेवरेबल हो जाएगी या बैकवर्ड में फेवरेबल हो जाएगी वो फॉरवर्ड में फेवर होगी या बैकवर्ड में फेवर होगी ये डिसाइड होगा कि वो स्ट्रेस किस तरह का है और जिस किसी भी डिरेक्शन में भले फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो जिस किसी भी डायरेक्शन में वो स्ट्रेस कम हो रहा है सिस्टम विल ट्राई

स्ट्रेस इज गेटिंग रिड्यूस वेर स्ट्रेस इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड उसी प्रिंसिपल को चाह बोला जाता है ली चैटली प्रिंसिपल इन सिस्टम इन सिंपल वे अगर बताऊंटली प्रिंसिपल यह भी सेट करता है सिस्टम

तो का कम करने के दिशा में तुम्हारी सिस्टम काम करेगी अगर प्रोडक्ट का बढ़ा हो तो प्रोडक्ट का कम करने के दिशा में सिस्टम काम करेगी वो क्यों और कैसे ठीक है <laughs> तो <laughs> इक्विलिब्रियम पे कौन से कौन से फैक्टर करते तो एक तो तुम्हारा है बेटा कॉन्सेंट्रेशन तुम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टन का प्रोडक्ट का जिस किसी का भी कम ज्यादा कर सकते हो यह तुम्हारे सिस्टम पे इफेक्ट करेगा दूसरा है टेम्परेचर टेम्परेचर भी तुम्हारे सिस्टम पे इफेक्ट करेगा क्योंकि रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगी या तो एंडोथर्मिक होगी है ना टेम्परेचर इफेक्ट करेगा उसके बाद प्रेशर प्रेशर भी एफेक्ट करेगा राइट तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करेगा टेम्परेचर अफेक्ट करेगा प्रेशर अफेक्ट करेगा एंड लास्टली कैटलिस्ट वैसे कैटलिस्ट कोई कुछ अफेक्ट तो करता नहीं लेकिन फिर भी कैटलिस्ट का भी एक रोल है मैं बताता हूं कैसे ठीक है तो चलो अभी हम लोग वन बाय वन वन बाय वन एक एक फैक्टर देखते हैं सबसे पहला है चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहला क्या है चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अब यह समझने के लिए हमको एक पर्टिकुलर कोई रिएक्शन लेना पड़ेगा ठीक है तो चलो मैं एक रिएक्शन लेता हूं एच टू गैस प्लस आई टू गैस दिस रिएक्ट टू गेट यू टू एच आई वो भी गैस बराबर अब बच्चों इस रिएक्शन का केसी इस रिएक्शन का केसी क्या आएगा इसका केसी आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई टू बराबर यही तुम्हारा केसी का वैल्यू है राइट right अब अब जैसा मैं तुमको बोल रहा था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैसे होता है तो समझ लो पहला है एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ H2 टू और एन टू और बोथ टू रिएक्टिंग सिस्टम इस रिएक्टिंग सिस्टम जो ऑलरेडी हो रही है जैसे आपको पहले से पता है दिस टर्म्स कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ये क्या है दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन एट इक्वली ब्रियम ठीक है तो मैं अब क्या करने जाना हूं ये जो रिएक्टिंग सिस्टम है इसमें या, मैं या तो नाइट्रोज हाइड्रोजन गैस छोड़ने छोड़ूंगा एक्स्ट्रा या नाइट्रोजन गैस छोड़ूंगा एक्स्ट्रा या दोनों एक साथ छोड़ूंगा so both two reacting system ठीक है सर नाउ अब अब मुझे आप एक बात बताओ अब अगर मैं यहां पे या तो H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा या I2 का बढ़ाऊंगा चलो सबसे पहले H2 की बात करते हैं अगर H2 का बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन क्या करेगी जो तुमने H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया हुआ है उसको कम करने की कोशिश करेगी तो उसको जब ये सिस्टम कम करने की कोशिश करेगी तो एस का कॉन्सेंट्रेशन कौन से डायरेक्शन में कम हो रहा है ऑब्वियसली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो ही कम होगा कि नहीं यानी अगर आप कॉन्सेंट रिएक्टेंट uh, का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा फेवर करेगी क्योंकि उसी डायरेक्शन में जो आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया हुआ है रिएक्टेंट का वो कम होगा इसीलिए H2 या N2 दोनों में से आप किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ाओगे या दोनों का बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या करेगी फॉरवर्ड डिरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी ताकि जो added, जो एडेड आपने किया हुआ है वो रिड्यूस हो सके कम हो सके और ये कब तक होगा जब तक एक नया इक्लिब्रियम सेटअप नहीं हो जाता तब तक ठीक है सो वेन एडिशन ऑफ एस टू एंड टू टू बोथ रिएक्टिंग सिस्टम विल हैपन फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्स या फिर मोर प्रोडक्ट विल बी फॉन्ट ठीक है अब अब जैसे तुमको मैंने थोड़ी देर पहले बोला ऑल ऑफ दिस इज इन कंसर्न ऑल ऑफ दिस इज इन कंसर्न टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ केसी केसी का वैल्यू मेंटेन करना है इसलिए ये सारी जज्जोजहद चल रही है तो केसी का वैल्यू मेंटेन कैसे होगा अब ना मैं ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कंसंट्रेशन है इसका एक टेंटेटिव नंबर ले लेता हूं ठीक है तो समझ लो हमारा जो केसी है एस टू का जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा समझ लो वो कुछ टेन रेस टू टेन रेस टू सिक्स है कितना है टेन रेस टू सिक्स कॉन्सेंट्रेशन है ठीक है एस का कॉन्सेंट्रेशन है 10 रे टू 2 और दूसरा i2 का कंसंट्रेशन भी है 10 रे टू 2 तो 10 रे टू 6 डिवाइडेड बाय 10 रे टू 4 10 रे टू 4 ऊपर जाएगा तो माइनस -4 हो जाएगा तो तुम्हारे केसी का ओवरऑल वैल्यू यहां पे कितना बन गया 10 रे टू 2 ठीक है अब अब केसी का वैल्यू जो है 10 रे टू 2 ये तुमको मेंटेन करना है क्यों क्योंकि दिस वैल्यू इज कांस्टेंट के सी का मतलब ही कांस्टेंट होता है ना बेटा तो ये वैल्यू कांस्टेंट है तो तुमको ये इसका कांस्टेंट मेंटेन करना है ठीक है अब समझ लो तुमने क्या किया इफ यू इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग एच टू कॉन्सेंट्रेट एच टू एंड आई टू दोनों लेते हैं एच and एंड concentration by by बाय times, टेन times मतलब क्या ऑलरेडी एस टू का मोल पर लीटर है ये आई का भी टेन to 2 है अब टेन to 2 को मैं क्या कर रहा हूँ? 10 times मतलब 10 रेस टू थ्री कर रहा हूं राइट तो अब देखते हैं अब देखो बच्चा यहां पे तुम्हारा जो केसी है समझ लो ऊपर का वैल्यू 10 रेस टू 6 ही रहता है वैसे नहीं रहता लेकिन समझ लो कि ऊपर का वैल्यू 10 रेस टू 6 ही रहता है तो मैंने H2 का जो uh, H2 और I2 दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो 10 गुना बढ़ा है पहले 10 रेस टू 2 था अब हो गया H2 का 10 रेस टू 3 और I2 का भी कितना हो गया 10 रेस टू 3 अब तुम खुद देखो ऊपर 10 रेस टू 6 है

हो ही नहीं सकता और ये टेनडेस टू सिक्स हो ही नहीं सकता ये गलत है इसका मतलब क्या कि अगर तुमको केसी का वैल्यू हंड्रेड बनाना है अगर तुमको केसी का वैल्यू हंड्रेड बनाना है तो तुमको प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टेनडे से टेनडेस टू एट की तरफ लेके जाना पड़ेगा और वो वही करता है वो क्या करता है टेनडेस का बना देता है टेनडेट और नीचे टेनडे एंड टेनडे है ही वो बन जाएगा टेन रेस टू टू जो अपना ओरिजिनल वैल्यू था इसका मतलब जब तुम रिएक्टन का बढ़ा देते हो टू मेंटेन टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ केसी रिएक्टिंग सिस्टम हैज़ इंक्रीज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच मीन्स रिएक्शन इज गोइंग इन द फॉरवर्ड डिरेक्शन ठीक है बच्चों क्लियर है किस तरह से तुमने रिएक्टन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाया तो रिएक्शन प्रोडक्ट साइड की तरफ झुकती है अब उसी तरह से अगर मैं उल्टा करता हूं अगर समझ लो ये रिएक्शन हो रही है रिएक्टिंग सिस्टम में एच आई डाल देता देता हूं 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 क्या करता हूं? डाल डाल अगर मैं डाल दूंगा तो क्या होगा कि भाई ये जो ऊपर का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा अब अगर वो बढ़ गया तो ये जो केसी है ये शायद टू थ्री या टेंड टू फोर हो सकता है तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको नीचे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा ताकि इसका केसी हंड्रेड आ सके ठीक है यानी अगर रिएक्टेंट का बढ़ाओगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगी अगर प्रोडक्ट का बताओगे बढ़ाओगे कॉन्सेंट्रेशन तो रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ यानी बैकवर्ड डिरेक्शन जो है या बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करेगी ठीक है और तीसरा तरीका होता है जिसमें जितना भी प्रोडक्ट बन जाता है ना हम उसको निकाल लेते हैं

जैसे आना चाहिए 10 डैश टू इसका मतलब अगर ऊपर 10 डैश टू 1 आया तो वो जो वैल्यू है तुम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं कर रहे हो वो कांस्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट का निकाल रहे हो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है अब अगर उसको मेंटेन करना है तो रिएक्शन को कहां जाना पड़ेगा रिएक्शन को जाना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ताकि जो प्रोडक्ट तुमने निकाला हुआ है वो फिर से रिप्लेनिश कर सके उसको फिर से वो बैलेंस कर सके और केसी का वैल्यू मेंटेन कर सके इसलिए प्रोडक्ट जो भी बनता है तुम निकाल लेते हो तो उसको उसको रिप्लेनिश करने के लिए रिएक्शन और प्रोडक्ट बनाती है यानी फॉरवर्ड डिरेक्शन में जाती है तो ये सारे तरीके हैं कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करने के जिससे तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को या इक्विलिब्रियम को मैनिपुलेट कर सकते हो ठीक है बच्चों चलो अब जाते हैं आगे कंसंट्रेशन तो हो गया अगला है तुम्हारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर अब प्रेशर का इफेक्ट तुम्हारे इक्विलिब्रियम पे कैसा पड़ता है हाउ डज इट अफेक्ट द प्रोडक्ट चेंज इन प्रेशर टू द इक्विलिब्रियम वैल्यू ठीक है अब अब देखो प्रेशर का इफेक्ट ना तभी बढ़ता है जब आपका जो डेल्टा एनजी है पहली बात तो यह है कि प्रेशर का इफेक्ट उसी रिएक्शंस में होता है प्रेशर का इफेक्ट उसी रिएक्शंस में होता है जहां पे गैशियस स्पीशीज हो यानी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड हो तो उस पे तो प्रेशर का असर बिल्कुल भी पड़ता नहीं है यानी आपको क्या चाहिए आपको चाहिए ऐसी गैशियस हो ठीक है तो यानी आपका जो डेल्टा एनजी है डेल्टा एनजी पहली बात तो ये कि डेल्टा एनजी आपका जीरो नहीं होना चाहिए वो भी मैं बताता हूं कैसे डेल्टा एनजी आपका जीरो नहीं होना चाहिए पहली बात तो ये एंड सेकेंड थिंग इज दैट स्पीशीज मस्ट बी प्रेजेंट स्पीशीज मस्ट बी प्रेजेंट इन गैशियस स्टेट तुम्हारी आपकी जो स्पीशीज है वो गैशियस स्टेट में होनी चाहिए ठीक है ऐसा नहीं है कि आप स्पीशीज को ले लो नॉर्मल तरह और वो लिक्विड ले लो और प्रेशर बढ़ा दो और रिएक्शन हो जाएगी नहीं 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 ऐसा नहीं होगा ठीक है अब अब मैं आप, आपको और एक चीज बताता हूं आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है यस yes, सबको आइडियल गैस इक्वेशन पता है पीवी इज इक्वल टू एनआर बराबर अगर मैं वी को उस साइड डाल दू तो मुझे क्या मिलेगा पी इज इक्वल टू सॉरी एन बाई वी अब यहां पे हम जब हम लोग कभी भी जब इक्विलिब्रियम करते हैं बेटा तो टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है यहां पे टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है आर तो कांस्टेंट ही है इसका मतलब क्या हुआ आपका प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट है तो इज इक्वल टू तो पी कांस्टेंट एन बाई वी इसका मतलब क्या हुआ दिस इंप्लाइज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी राइट अब एन बाई वी क्या होता है बेटा एन बाई वी होता है कॉन्सेंट्रेशन सो दिस ऑल्सो इंप्लाइज दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ठीक है अब समझते हैं रिएक्शन के थ्रू इसको अब समझ लो आपने कोई रिएक्शन लिया चलो मैं दो रिएक्शन लेता हूं सबसे पहले लेता हूं ये टू एसओ टू प्लस ओ टू ये सारे गैस में है ठीक है टू एसओ टू गैस में प्लस ओ टू ये भी गैस में ये आपका रिवर्सिबल इक्लियम सेटअप कर रहा है टू गेट यू टू एसओ ठीक है अब इसका जो एनजी है इसका एनजी क्या है डेल्टा एनजी डेल्टा एनजी माने क्या होता है बेटा डेल्टा एनजी माने होता है एन पी माइनस एनआर प्रोडक्ट के कितने मोल से बेटा दो मोल से। रिएक्टेंट के कितने मोल से? तीन मोल से तो ये क्या बन गया टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन मोल यहां पे आपके आ गए hmm. इसका मतलब डेल्टा एनजी जीरो नहीं है राइट right? जो नहीं होना चाहिए अब अब अगर समझ लो यहां पे आप प्रेशर बढ़ाते हो इफ यू इंक्रीज द प्रेशर हियर अब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा बेटा प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बढ़ रहा है ओवरऑल कंसंट्रेशन बढ़ रहा है इसका मतलब रिएक्शन इस केस में उस डायरेक्शन में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं तो यहां पे <laughs> अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे इफ यू इंक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये जो एन है इसको अगर आपको मेंटेन करना है तो आपका एन का वैल्यू भी कम ही करना पड़ेगा या फिर इन अदर वर्ड्स इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस द डिक्रीज़ेस वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपका जो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये डिक्रीज होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसको अपोजिट दिशा में आप कैसे जाओगे जब नंबर ऑफ मोड उसके घटा दोगे क्योंकि यह डिक्रीज हो रहा है देखो ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज ही होना चाहिए और ये एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डिरेक्शन में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कौन से दिशा में कम हो रहे हैं तुम्हारे सामने है रिएक्टेंट साइड में तीन नंबर ऑफ मोल्स है प्रोडक्ट साइड में एक है इसका मतलब यहां पे अगर प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डिरेक्शन वुड बी फेवर्ड तो यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्स यह आपका यहां पे आपका फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा ठीक है अब उसी तरह से उसी तरह से अगर आप प्रेशर यहां पे डिक्रीज करते हो प्रेशर डिक्रीज करोगे बेटा तो वॉल्यूम क्या होगा बढ़ेगा अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो तुम्हारा एन का वैल्यू भी बढ़ाना पड़ेगा एन का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा मतलब रिएक्शन आप उस डिरेक्शन में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं क्योंकि वो बढ़ना चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स कहाँ बढ़ रहे हैं राइट टू लेफ्ट इसका मतलब यहां पे क्या होगा आपका बैकवर्ड रिएक्शन योर बैकवर्ड नहीं चाहोगे कि आपका प्रेशर कम हो इनफेक्ट आपको इसको ज्यादा प्रेशर में ही रिएक्शन करवाओगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिले ठीक है बेटा तो दैट्स हाउ द प्रेशर एक्चुअली वर्क्स अब लास्टली ऐसा एग्जांपल लेते जहां डेल्टा एनजी आपका जीरो है जैसे कि ये एच टू जी रिएक्ट विथ आई टू जी दिस गेट्स मी टू एच आर और वो भी क्या है जी अब यहां पे आपका डेल्टा एनजी यहां पे आपका डेल्टा एनजी है जीरो क्यों नंबर ऑफ ऑफ मोल्स प्रोडक्ट आर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर आल्सो टू तो टू माइनस टू क्या हो रहा है जीरो तो इसका मतलब यहां पे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो कम होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ना राइट टू लेफ्ट कम हो रहे या बढ़ रहे ना राइट right टू ना लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे या कम हो रहे तो यहां पे चेंज इन प्रेशर का कोई भी असर नहीं होगा तो चेंज इन प्रेशर चेंज इन प्रेशर डजेंट एफेक्ट हियर चेंज इन प्रेशर डजन एफेक्टर ठीक है प्रेशर चेंज करने से यहां कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है बच्चो चलो आई होप ये क्लियर तुमको हो ही गया होगा चलो अब निकलते हैं आगे अगला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अब टेम्परेचर कम ज्यादा करने से क्या फर्क पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं ठीक है बेटा अब देखो टेम्परेचर का गेम कैसा है बेटा टेम्परेचर जो है अब वो डिपेंड करेगा कि आपका रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है यानी आपका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है फॉर एग्जाम्पल सबसे फेमस रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस जो है मैं वो लेता हूं ठीक है तो वहां पे यहां पे देखो एन टू जी प्लस थ्री एच टू जी या फिर ना हम लोग ठीक है चलो यहाँ पे है तो यही ले लेते हैं टू एन एच थ्री जी ठीक है ये जो रिएक्शन है मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं कि डेल्टा एच का वैल्यू कितना है बस इतना है कि डेल्टा एच तुम्हारा जो है वो यहां पे नेगेटिव है क्या है डेल्टा एच तुम्हारा नेगेटिव है तो अब डेल्टा एच नेगेटिव इसका मतलब क्या हुआ वो जो मैंने लिखा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखा है और वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ही लिखा जाता है तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं देखूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है राइट यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो फॉरवर्ड तो रिएक्शन अगर एक्जो होगा बेटा तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन डेफिनेटली क्या होगा एंडोथर्मिक वो तो गिवन है ना वो तो गिवन है अगर ये एक्सोथर्मिक है तो आपका बैकवर्ड होगा एंडोथर्मिक ठीक है, so, simple सी चीज है यहां पर एन टू अमोनिया अगर यहां पे इस रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाते हो इफ यू इंक्रीज द temperature, रिएक्शन विल ट्राई टू गो इन दैट direction where temperature इज गेटिंग absorbed. अब temperature कहां पे absorbed हो कहां है? temperature एंडोथर्मिक प्रोसेस में absorbed होता है और यहां पे एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है बेटा बैकवर्ड वाला रिएक्शन है

फेवर्स यहां पे आपका बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा ठीक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेम्परेचर कम करते 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 जीरो डिग्री पे आ जाओ ना वैसा नहीं है रिएक्शन होने के लिए आपको कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा और वो इस रिएक्शन के लिए वो जो टेम्परेचर है वो है कुछ 773 सेवेंटी थ्री सेवन सेवन थ्री मतलब होता है वो लगभग पांच सौ डिग्री सेल्सियस तो पांच सौ डिग्री सेल्सियस पे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है अब अगर आप पाँच सौ से आगे अगर आप पाँच सौ से आगे टेम्परेचर बढ़ाना चाहो तो तुम बढ़ा सकते हो लेकिन तब क्योंकि अब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है वो हीट अब्सॉर्ब कर लेगी और एंडोथर्मिक में झुकेगी यानी बैकवर्ड रिएक्शन अब फेवर करेगा लेकिन 500 तक तो आपको हीट देना ही देना है ठीक है अगर समझिए रिएक्शन 600 डिग्री पर चली गई अब 600 डिग्री पे ऑलरेडी वो बैकवर्ड में आ चुकी है ठीक है तो अब अगर आप इसका टेम्परेचर घटाओगे तो फिर क्या होगा तो अब फिर से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा ठीक है तो इस तरह से आपका टेम्परेचर जो है वो एफेक्ट करता है ठीक है बच्चों आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट अब ये जो है ना बेटा कैटलिस्ट वाला थिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब आप सभी को पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन अब आप बोलोगे सर अगर कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट बढ़ाता है तो इसका मतलब क्या वो सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ाएगा या रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ाएगा तो देखो बेटा यहां पे क्या है ना यहां पे क्या चाहिए है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन का रेट बढ़ाता है डेफिनेटली बढ़ाता है लेकिन जहां तक इक्वेबियम की बात है कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ाता है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ाता है तो आप बोलोगे सर ये कैसे इसका मतलब कैटलिस्ट तो कुछ काम का हुआ ही नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है कैटलिस्ट बिल्कुल काम का है तो कैटलिस्ट क्या करता है कैटलिस्ट आपको ना फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ फेवर करता है ना बैकवर्ड की तरफ फेवर करता है लेकिन ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जब सेम होगा तब इक्विलिब्रियम आएगा ये तो आपको पता है तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये जल्दी लाने में कैटलिस्ट आपकी हेल्प करेगा यानी किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो कितना जल्दी आ सके ये कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है अगर समझ लो विदाउट <laughs> कैटलिस्ट वो हो रही है आठ घंटे में हो रही है तो कैटलिस्ट के साथ वो दो या घंटे में हो जाएगी यानी किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम समझ लो इक्विलिब्रियम uh, अचीव करने के लिए किसी रिएक्शन को अगर दो घंटे लग रहे तो कैटलिस्ट वो काम आधा या पौन घंटे में कर देगा तो इसका मतलब कैटलिस्ट ओनली हेल्प्स इन अचीविंग द इक्विलिब्रियम फास्टर एंड एट लोअर टेम्परेचर ताकि उसके बाद फिर उस इक्वीबियम के साथ आप खेल सको प्रेशर बढ़ा के टेम्परेचर कम ज्यादा करके या प्रेशर कम करके जो आप करते हो ना इक्वीब्रियम को मैन्य जिससे ज्यादा प्रोडक्ट मिले वो आप कर सको तो मतलब कैटलिस्ट डॉट चेंजेस और डिसाइड द डिरेक्शन ऑफ अ इक्लिब्रियम तो बेसिकली अगर बोला जाए तो कैटलिस्ट does not decides catalyst does not decides the direction of a equilibrium catalyst does not decides the direction of a equilibrium however however it helps it helps in achieving it helps in achieving the equilibrium it helps in achieving it helps in achieving the equilibrium faster by by decreasing by decreasing the energy of activation एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करवा के वो ये रिएक्शन को फास्ट यानी इक्विप को फास्ट अचीव कर सकता है ये आपको मैं बताता हूं ग्राफ के जरिए ठीक है यहां पे रिएक्शन हो रही है देखो यहां पे आपका जो वाई एक्सेस है यहां पे है पोटेंशियल एनर्जी और यहां पे आपका है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स ठीक है ये मैं रब कर देता हूं यहां पे मैं आपका रिएक्टेंट लेता हूं जो भी है हमारा ए प्लस बी और ऊपर लेता हूं हाँ ए प्लस बी ठीक है तो ये आपका कैटलिस्ट है ये यहां से ऊपर जाएगा और ये ऐसे नीचे आएगा आप बोलोगे सर नीचे आ गए मतलब अब नीचे यहां पे प्रोडक्ट बन रहा है आपका सी प्लस भी आपका प्रोडक्ट है ए प्लस भी आपका क्या है रिएक्टेंट है तो आपके जो कैटलिस्ट है आपका जो रिएक्टेंट है वो यहां से शुरू हो रहा है ठीक है ये उसका एनर्जी लेवल है और ये आपका प्रोडक्ट का लेवल है ठीक है तो ये अगर गैप आप देखोगे तो ये गैप है डेल्टा एच डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर प्रोडक्ट का से कम है तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस ठीक है लेकिन उसके लिए हम लोग इधर नहीं आए वो तो है ये देखो यहां पे क्या है बेटा यहां पे है आपका टीएस टीएस यानी ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट रिएक्ट प्रोडक्ट के बीच में है आपको या किसी भी रिएक्शन को यहां से यहां तक इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना ही पड़ता है फिर ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के बाद वो उस साइड नीचे रोल ऑन होती जाएगी टू फॉर्म अ प्रोडक्ट या रिटर्न आएगी रिएक्टन की तरफ वो बात की बात है लेकिन उसको यहां तक तो पहुंचना है ही है तो ये जो है ये जो है दिस इज योर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या बोलते हैं बेटा इसको दिस इज कॉल्ड एज योर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो ये हर रिएक्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लगता ही लगता है विदाउट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कोई रिएक्शन नहीं होती बेटा तो कैटलिस्ट क्या करता है पता है वॉट does कैटलिस्ट डू देन यही रिएक्शन कैटलिस्ट यही रिएक्शन करेगा बेटा बस उसकी भी शुरुआत यही से होगी बस वो यहां से ही नीचे आ जाएगा आप बोलोगे सर यहां से नीचे मतलब ये समझा नहीं हम लोग तो बेटा ये ऐसा तो यहां पे ना ये जो है अगर आपने कैटलिस्ट यूज किया तो आपका ट्रांजिशन स्टेट पहले ही अचीव हो जाएगा यानी कैटलिस्ट के साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तो यहां पे आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हुआ कम हुआ अब अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा बेटा तो रिएक्शन नेचुरली फास्ट ही होगी है कि नहीं तो दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैटालाइज्ड और ये एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अनकैटलाइज्ड तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हो कैटलिस्ट ने क्या किया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर दिया अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करोगे तो रिएक्शन फास्ट होगा कम टेंपरेचर पे होगा यही मुझे आपको बताना था कि कैटलिस्ट जो है वो क्या है? करता है इक्विलिब्रियम को फास्टर अचीव करने में हेल्प करता है बाकी कैटलिस्ट आपका ना फॉरवर्ड डायरेक्शन ना रिवर्स डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन को फेवर बिल्कुल भी नहीं करता चलो अब निकलते हैं हम लोग आगे अगला है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हेबर प्रोसेस जो मैं आपको बोल रहा था हेबर प्रोसेस अब हेबर प्रोसेस हम लोग फाइनली देखने वाले हेबर प्रोसेस क्या है बेटा इट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया राइट हम लोग क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस आप लेते हो नाइट्रोजन गैस के साथ आप लोग लेते हो हाइड्रोजन गैस थ्री मोल्स ऑफ अ हाइड्रोजन गैस ऑब्वियसली इट्स अ सिविल रिएक्शन दिस गेट्स यू टू मोल्स ऑफ अमोनिया गैस यहां पे जो कैटलिस्ट है वो आपका है आयन और मोलिपडेनम क्या है को कैटलिस्ट उसी के साथ Al2O3 या Na2O ये सारे सपोर्टर या प्रमोटर भी आप यूज करते हो ठीक है अब ये रिएक्शन में अगर आप देखोगे बेटा इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या है माइनस टू यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर लेसर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ रियक्टेंट इसका मतलब इसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा इफेक्ट ऑफ अ प्रेशर अब इफेक्ट ऑफ अ प्रेशर बेटा हमने पहले भी देखा था है फॉर्मेशन ऑफ एसओ थ्री बाय एसओ टू प्लस ओ टू वो कॉन्टेक्ट प्रोसेस का रिएक्शन है वो हमने देखा था राइट तो वैसा ही यहां पे नंबर ऑफ मोल्स आर डिक्रीजिंग मीनू गो फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट तो नंबर ऑफ मोल्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा रिएक्शन फॉरवर्ड डिरेक्शन में ही जाएगा क्योंकि जब जब प्रेशर बढ़ता है रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हो और प्रेशर अगर कम करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं ठीक है सो बेसिकली इफ यू इंक्रीज द प्रेशर हियर द फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रियक्शन प्रेशर अगर घटा दोगे तो ऑब्वियसली बैकवर्ड रियक्शन तो फिर आप बोलोगे सर अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के रिएक्शन फास्ट कर सकते हैं क्या वेल well, बेटा हम लोग वैसा कर तो सकते हैं लेकिन दिक्कत क्या है आपका जो कैटलिस्ट है अगर आप ज्यादा प्रेशर लगा दोगे तो कैटलिस्ट की जो इफिशियंसी है वो कम हो जाती है इसीलिए आपको एक ऑप्टिमम प्रेशर यूज करना पड़ता है और यहां पे, पे आपका वो ऑप्टिमम प्रेशर यहां पे आपका वो ऑप्टिमम प्रेशर जो है वो कितना है आपका ऑप्टिमम प्रेशर यहां पे है 250 एटमॉस्फेयर तो फिफ्टी एटमॉस्फेयर पे अगर आप ये रिएक्शन करोगे तो ये बहुत अच्छे से होगा ठीक है दूसरा वाला है सेकेंड थिंग इज दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अब बच्चा ये जो रिएक्शन है जैसा मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये जो रिएक्शन है ये हाईली क्या है एग्जोथर्मिक

बैकवर्ड को फेवर करेगी तो इसका क्या इसका यह मतलब है कि टेंपरेचर कम करोगे तो करो अगर अगर हम लोग टेंपरेचर कम करेंगे तो क्या ये रिएक्शन फिर फॉरवर्ड में फेवर करेगी आप अब बोल सकते हो लेकिन पूरा नहीं बोल सकते तो आप बोलोगे सर अगर टेंपरेचर कम करने से रिएक्शन फॉरवर्ड में फेवर कर रही है तो हम लोग टेंपरेचर कम 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 जीरो तक लेके जाते हैं ना या फिर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करते नहीं याद आपको मैंने एक स्लाइड क्या बताया था ये देखो अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तो आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा विदाउट गिविंग और विदाउट सप्लाइंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिएक्शन कैन नॉट हैपन इसका मतलब ये तुम यहां पे टेम्परेचर कम कम करते जाओगे तो रिएक्शन तो का रेट एक्चुअली कम 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 होता जाएगा क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो आप उतना नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो इसीलिए और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होगा टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा आप बढ़ा दोगे तो जो अमोनिया बन रहा है वो कंपोज होके एन टू प्लस एस टू देना स्टार्ट करेगा क्यों क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन की फॉरवर्ड में एक्सो है बैकवर्ड में एंडो है बैकवर्ड में एंडो है तो वो हीट बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी क्योंकि वो एंडो है एंडो फेवर करेगा तो उस केस में क्या करना पड़ेगा तो उस केस में एक टेम्परेचर ये हैबर हैबर जो है इज नेम ऑफ अ साइंटिस्ट ही फाइंड आउट द ऑप्टिमम ही फाइंड आउट द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस एंड दैट ऑप्टिम टेम्परेचर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड टू फिफ्टी एटमोस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ दोन कैटलिस्ट बहुत अच्छी तरह से होता है ठीक है तो वही था पूरा का पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर सो so, आई होप इससे आपको डेफिनेटली मदद ही मिली होगी अब हम लोग अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ठीक है बेटा तो इस रिएक्शन के लिए इतना ही आपका होमवर्क तो यही रहेगा दैट यू स्टडी ली चार्टली प्रिंसिपल स्टडी ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल फॉर वराइटी ऑफ रिएक्शन अलग अलग रिएक्शन के लिए आप ली चार्टलियर प्रिंसिपल का पढ़ाई करो या उसका एप्लीकेशन देखो यही आपका होमवर्क है ठीक है एंड थैंक यू धन्यवाद लेट सेट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर मिलेंगे अगले लेक्चर में तब हम लोग इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो केसी और केपी से रिलेटेड रहेंगे टिल देन बाय